हेलो दोस्तों, आज हम ढोकला बनाने वाले हैं। यह ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है। इस ढोकला को बनाने के लिए हमें 1 कप बेसन की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इस ढोकला को बनाना शुरू करते हैं। यह ढोकला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज हम इस ढोकले को इडली के स्टैंड में बनाने वाले हैं। आपने ढोकला तो बहुत बार खाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें 1 कटोरी बेसन लिया है। यह हमारा बड़ा कटोरी है। आप इसे नापेंगे तो इसे 150 ग्राम बेसन है। 3 से 4 बड़े चम्मच हमने सूजी ली है छोटी कटोरी में। चलिए अब हम बेसन को इस बॉल में डाल देते हैं। बेसन को आप अच्छे से छान ले। मैंने बेसन को छान कर लिया है। उसके बाद हमने सूजी को भी डाल देंगे। सूजी को डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे और स्वाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप नमकीन खाते हो तो आप नमकीन भी बना सकते हो बिना शक्कर का। और इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। आप सबको स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेंगे। देखिए, बैटर बनाने के लिए हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। हमें सब पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए, मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है और 1 कटोरी पानी में से हमारा आधा से भी थोड़ा कम कटोरी पानी बच गया है। तो चलिए अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। ये हमारा इतना पानी बच चुका है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, इसे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। बैटर अच्छे से देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम एक बार चम्मच से चला लेते हैं। इसे एक बार अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स कर ले। देखिए, आप बटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम इडली के स्टैंड लिया है। अब इसमें तेल से ग्रीस कर लेते हैं इसे। चलिए, हमने इसे तेल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद इसमें इनो डालेंगे, आधा छोटी चम्मच इनो डालेंगे। इनो डालकर इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए लगातार चलाते रहें, जिससे यह अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, बैटर कितने अच्छे से एकदम फूल चुका है। इसी तरह हमें इसे 10 मिनट लगातार चलाते रहना है। देखिए, इसे चलाते हुए लगातार 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम बैटर को डालते जाएंगे। मैंने इडली के स्टैंड को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें 2-2 चम्मच बैटर को स्टैंड में डालते जाएंगे। स्टैंड को थोड़ा सा खाली भी रखना है, जिससे यह फूल कर ऊपर आ जाएगा। इसलिए कम ही भरना है हमें बैटर। इसके बाद देखिए, मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। पानी अच्छे से उबल रहा है। अब हम एक एक करके सभी स्टैंड को अंदर डालते जाएंगे। आप इसे थाली में भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने सभी इडली के स्टैंड को अंदर डाल दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें। देखिए, इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए, ढोकला कितने अच्छे से बब चुका है, गीला नहीं लग रहा। आप इसे हाथ से टच करके या तो चक्कू की मदद से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए तेल गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से छिटकने दें। राई छिटक जाए तो कड़ी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे और 1 चुटकी नमक डाल देंगे। सबको अच्छे से उबाल आने तक पकने दें। देखिए, उबाल आ चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इडली स्टैंड से हम ढोकले को निकाल लेंगे। देखिए, हम स्पून की सहायता से इसे हल्के हाथों से निकाल लें। देखिए, हमने तेल ग्रीस किया था इसके लिए कितने अच्छे से निकल रहा है। ऐसे ही आप सभी को निकाल लें। मैं आपको एक और निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, सभी ढोकला कितने अच्छे से निकल रहा है। कितना जालीदार और सॉफ्ट ढोकला बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने सभी ढोकला को 1 प्लेट में जमा लिया है। अब इसके बाद हमने जो पानी बनाया था उसे इसके ऊपर डाल देंगे। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम सभी
पानी को इसमें फैला देंगे और इसे हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।